वैसे हाथों में कंगन और मेहंदी सजी हुई हो, बस मांग में सिंदूर हो, मानो 16 सिंगार हो ही गए। लेकिन इसमें चार चांद लग जाते हैं खूबसूरत जेवर और एक खूबसूरत सी साड़ी के साथ। तो बस 16 सिंगार करके यूं करवा चौथ के व्रत के लिए तो तैयार हो गई हैं हमारी लता सबरवाल भी, यानी कि अक्षरा की मम्मी। तो चलिए दिखाते हैं इनका ये श्रृंगार। सुहागनों का सबसे बड़ा त्योहार होता है करवा चौथ का त्योहार। इस दिन हर सुहागन खुद को दुल्हन बनाना चाहती है, दुल्हन की तरह सजना चाहती है, सवरना चाहती है और 16 श्रृंगार कर अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखना चाहती है। इस करवा चौथ लता सबरवाल ने भी खूब तैयारी की है। बालों में वो जूड़ा बनाएंगी और अपने जूड़े को फूलों से सजाएंगी, तो वही इनका लहंगा एकदम हटकर है। करवा चौथ में वैसे तो सब रेड होता है, या फिर जो शादी से और करवा चौथ से रिलेटेड कलर्स होते हैं वो रेड होता है, रानी होता है, ऑरेंज होता है, पिंक होता है, तो मैं हमेशा रेड करती हूँ। इस बार मैंने रानी पिंक जो है वो यूज़ किया है, बिंदी में आप देख सकते हैं, लिपस्टिक भी उसी शेड की लगाई है। बाकी आई शेडो जो किया है वो मेरा लहंगा थोड़ा फ्यूजन है। बाल ऐसे होते हैं ना, हेयर स्टाइल इतना इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है सब चीज़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि द मोमेंट यू चेंज योर हेयर स्टाइल, जैसे आप अपने बाल बनाते हैं आपका पूरा चेहरा एकदम बदल जाता है। तो मुझे फ्लावर्स के साथ हेयर स्टाइल करना बहुत अच्छा लगता है, एंड शबनम इज़ वन पर्सन हुम आई ट्रस्ट ऑलवेज। इनका कहना मुझे मानना पड़ता है, जो ये बोलती हैं वो करवाना पड़ता है, क्योंकि एंड रिजल्ट मुझे मालूम है बहुत अच्छा आता है। तो आप देख सकते हैं कि बालों में टोंग भी हुआ है, क्रिम्पिंग भी हुई है, हाथ से इन्होंने कर्ल भी किए हैं, फूल भी लगाए हैं। ट्रिक तो होती है लगाने के लिए, उसको पिन में भी डाल के लगा सकते हो, उसको बॉब पिन भी यूज कर सकते हो, इस तरह से उसको लगा सकते हो, उसको डांडी के साथ, मगर चाहेंगे आप लगाने के लिए तो नहीं लगा सकते। जरा देखिए ना, लता जब तैयार हो गई तो संजीव खुद को रोक ही नहीं पाए उनकी तस्वीर लेने से। अब लता आप तो वैसे ही इतनी खूबसूरत लगती हैं, लेकिन आज करवा चौथ वाले दिन आपकी खूबसूरती एक अलग ही अंदाज बयां कर रही है। मैं कुछ फ्यूजन पहनना चाहती थी, कुछ डिफरेंट क्रिएट करना चाहती थी। तो सबसे पहले शुरुआत करूंगी कि मैंने काफ़ी चीज़ें अपनी शादी की पहनी है इसमें, जैसे कि पायल और चूड़ा, दो खास चीज़ें। और इसके बाद ये जो लहंगा है, दिस इज़ बाय सौम्या खन्ना, वस्त्रा एंड डेकोर। पहला करवा चौथ होता है ना, उसमें शादी का ही जोड़ा पहना जाता है, मैंने भी वही पहना था। लेकिन जैसे जैसे ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ी वर्सेटाइल कॉस्ट्यूम्स बनवाइए, थोड़े वर्सेटाइल आउटफिट्स लीजिए। ये भी एक फ्यूजन है, जैसे इसमें बेल स्लीव्स हैं, कलर्स थोड़े डिफरेंट कंबाइन किए गए हैं, रेड भी है, पीच भी है, पिंक भी है और ब्लू भी है। सब लेडीज बहुत खुशी से तैयार होती हैं, क्योंकि यही एक ऐसा दिन होता है जब वो शादी के बाद फिर से एक दुल्हन की तरह तैयार हो पाती हैं, और उन्हें उस दिन बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, हस्बैंड से गिफ्ट मिलते हैं, सासू माँ से गिफ्ट मिलते हैं और बाहर डिनर पे भी ले जाया जाता है। मुंबई से निशी मिश्रा और नेहा सावंत के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ये है
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।